क्वेश्चन है फाइंड वेक्टर ए बी, ऐसा बोला है गिवन ए पर जो पॉइंट है 1, 2, -1 और बी पर जो पॉइंट है बी 3, 2, 2 ऐसा बोला है। पॉइंट ए 1, 2, -1 और पॉइंट बी है 3, 2, 2। अपने को ए बी निकालना है। देखो ये ए है यानी इसका मतलब ये एक्स वाई जेड थ्री पॉइंट है ना। थ्री पॉइंट का मतलब है कि ये थ्री डायमेंशनल में है पॉइंट, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस तीनों है। ये हो गया ओरिजिन। इधर पॉइंट ए है, इसका कोऑर्डिनेट है 1, 2, -1 ओके ओ ए, और इधर पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट है 3, 2, 2 ओके। अपने को निकालना है ए बी, ए से बी तक का पोजीशन वेक्टर। समझ में आ रहा है कि नहीं? डायग्राम में पॉइंट ए है, बताया था मैं पोजीशन वेक्टर, पॉइंट बी हो गया ओ बी, ए का कोऑर्डिनेट है 1, 2, -1 बी का 3, 2, 3 अपने को ए से बी तक का वेक्टर फाइंड करना है। तो ये जो ए और बी है ना, इसको ऐसे लिखोगे ओ ए, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या होगा? फर्स्ट वाला होता है एक्स, सेकेंड वाला होता है वाई, थर्ड वाला होता है जेड, यानी 1 × i, 2 × j, -k। 1 × i को ओनली i कैप भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे? 1 × i, 1 था, 2 × j, -k। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिमिलरली बताओ इक्वेशन क्या होगा फॉर द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ओ बी कितना होगा? ओ बी को क्या लिखेंगे? 3, 2, 3 है ना कोऑर्डिनेट, तो आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्म में ओ बी को कैसे लिखेंगे? क्यों महक, विनायक बताओ महक कैसे लिखेंगे? +3 × i ऐसा, +2 × j, +3 × k। ठीक है। yes, अब अगर अपने को ओ ए बी निकालना है, ये होता है ओ बी माइनस ओ ए वेक्टर में, ये दोनों को माइनस करेंगे, ए बी इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। बी माइनस ए होता है ना, ए से बी तक का डिस्टेंस, बी माइनस ए उसको लिखेंगे ओ बी माइनस ओ ए। चलो देखो, तो वेक्टर ए बी ओ बी का वैल्यू क्या है? 3i + 2j + 3k - i कैप
जे कैप माइनस के कैप। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। जैसे मैं बताया था माइनस करने का, अब माइनस में क्या होता है, आई वाले को आई के साथ माइनस करना है, जे वाले को जे के साथ माइनस करना है, और के वाले को के साथ माइनस करना है, ऐसे होता है ना? Yes, sir. तो 3i कैप माइनस i कैप कितना होगा? 3i माइनस i क्या होता है? सिंपल माइनस करो ना, 3 माइनस 1 2i कैप, i कैप 2j कैप माइनस 2j कैप क्या बचेगा? जीरो बचेगा ना, 2 माइनस 2 जीरो हो गया, माइनस 0 जे कैप, फिर 3 के कैप माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस के कैप, 3 के कैप प्लस के कैप कितना होगा? 4 के कैप। तो ये तुम्हारा हो गया ए बी इक्वल टू 2i कैप प्लस 4 के कैप। समझ में आया कि नहीं इतना? Yes, sir. अब अगर बोलेगा कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ AB यानी मॉड ऑफ AB, मैं बताया था फॉर्मूला मॉड कैसे निकालते हैं, जैसे A था तो मॉड कैसे निकाल रहे थे, जैसे मैं बताया था ना वेक्टर A इक्वल टू A1 i कैप, A2 j कैप और A3 k कैप है, तो मॉड ऑफ वेक्टर A क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, ये होता है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, A1 बस है यानी 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, जे का तो कुछ है ही नहीं कोफिशिएंट वगैरह, क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16 यानी स्क्वायर 20 इतना आएगा। समझ में आया कि नहीं आया, कैसे फाइंड करना है? ये समझ में आया कि नहीं, कैसे सॉल्व किया इसको? आ गया। तो वेक्टर वाले क्वेश्चन को ऐसे ही बनाना है। चलो तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है वेक्टर A इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप एंड वेक्टर B इक्वल टू i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। ओके अब क्वेश्चन में बोला है फर्स्ट फाइंड ए प्लस बी, बना लोगे? ए प्लस बी यानी आई वाले को आई से सम करो, जे वाले को जे से, के वाले को के से, बन जाएगा कि नहीं? चलो बनाओ क्या है बताओ, a प्लस बी सम करो इसको कितना आएगा,
कितना आएगा? इभा प्रेजेंट है कि नहीं? इभा, साक्षी, काजल, बनाओ, सीधा ऐड करना है आई वाले को आई से, जे वाले को जे से, के वाले को के से। कितना बताओ? 3i प्लस i क्या होगा? 4i, 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2j कैप, जीरो हो जाएगा। फिर यहां कुछ नहीं है तो जीरो प्लस 3k कैप, 3k कैप आया कि नहीं? इतना ठीक है। सेकंड है फाइंड ए माइनस बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, बताओ फटाफट। ए माइनस बी क्या होगा? ए माइनस बी, माइनस कर दो जाओ ना, आई वाले को आई से माइनस करो, जे वाले को जे से, के वाले को के से। तो 3i कैप माइनस i कैप कितना आएगा? 2i कैप। उसके बाद कितना आएगा? 2j कैप, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2j कैप क्या होगा? 4j कैप प्लस 0 प्लस 3k कैप आएगा इतना? यस सर। ठीक है, अब क्वेश्चन है, बोलेगा फाइंड मॉड ऑफ वेक्टर a। क्या बताया था? मॉड ऑफ वेक्टर a यानी स्क्वायर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, बताया था ना? क्या होगा बताओ? मॉड ऑफ वेक्टर ए, किसी भी वेक्टर का मॉड लोगे तो वो स्केलर में कन्वर्ट हो जाएगा। वैल्यू क्या आएगा बताओ? अब आई के के उसमें से हट जाएगा। ए वन यानी जब ये ऐसा था, वेक्टर ए इक्वल टू ए वन आई कैप, ए टू जे कैप, ए थ्री के कैप, तो आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ऐसे किए थे ना? तो यहां भी यही करो, स्क्वायर लो, आई कैप का कोफिशिएंट क्या है? 3 है, तो 3 स्क्वायर हो जाएगा। J कैप का कोफिशिएंट क्या है? 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 9 प्लस 4 यानी स्क्वायर रूट 13। आया समझ में? Yes, sir. चलो सिमिलरली मॉड ऑफ B कैप निकालो, सॉरी मॉड ऑफ B कैप नहीं, जल्दी बताओ क्या होगा? क्या होगा स्क्वायर रूट? किसका किसका स्क्वायर? 2 का और 3 का। क्यों, 1 कहां जाएगा? 1 तो है ना यहां पे, कुछ नहीं है तो 1 रहता है ना? यस सर।
तो वन का स्क्वायर प्लस माइनस टू का स्क्वायर ऐसा लिखना है, प्लस थ्री का स्क्वायर क्या होगा ये, नाइन प्लस फोर थर्टीन, थर्टीन प्लस वन फोर्टीन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेलो। हाँ हाँ ठीक है सर। सर अभी मैं कॉल, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है? ओके सर। ये बना के भेजना मेरे को, yes, ठीक है?
रहने दो इतना।